अब छत्तीसगढ़ की नवनियुक्त राज्यपाल अनुसुईया उइके आज शाम 4 बजे राजभवन के दरबार हॉल में राज्यपाल पद की शपथ लेंगी। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उन्हें शपथ दिलाएंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंत्रिमंडल के सदस्य सहित नवनियुक्त राज्यपाल के परिवार के लोग भी मौजूद रहेंगे। इधर शपथ लेने से पहले नवनियुक्त राज्यपाल अनुसुईया उइके जय स्तंभ चौक स्थित शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक पहुंची, जहां उन्होंने शहीद वीर नारायण सिंह को श्रद्धांजलि दी। अनुसुईया उइके का कहना है कि मैं छत्तीसगढ़ के विकास में पूरी तरह से यहाँ के लोगों को न्याय दिला सकूँ, यही मेरा उद्देश्य रहेगा। जनजाति समाज के वीर नारायण जी जो हैं, जिन्होंने आजादी के लिए समाज के लिए अपना जो कुर्बानी दी और जो कार्य किया है, ऐसे महापुरुषों का मेरा प्रथम कर्तव्य होता है कि मैं उनको सामने उनका नमन करूं, उनको श्रद्धांजलि दूं, क्योंकि इन्हीं लोगों के प्रेरणा और मार्गदर्शन से आज हम समाज और राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। तो शपथ ग्रहण से पूर्व ये कुछ बातें अनुसुईया उइके कहती नजर आई। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उन्हें शपथ दिलाने के लिए उन्हें शपथ दिलाई। आपको बता दें कि आज शपथ ग्रहण समारोह था छत्तीसगढ़ में, जिसमें अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ की नई राज्यपाल बनी है और इस विशेष कार्यक्रम में कई बड़ी हस्तियां भी मौजूद थी। तमाम नेतागण मौजूद थे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद थे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज संवाददाता हेमंत शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। हेमंत, आज अनुसुईया उइके ने शपथ ली है और आज से वो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल बन गई हैं। ये जो खासा कार्यक्रम था, माफ कीजिए, 4 बजे इस कार्यक्रम में वो शपथ लेंगी, तो इस कार्यक्रम में क्या खास रहने वाला है हेमंत? नवनियुक्त राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके और शाम 4 बजे राजभवन के दरबार हॉल में शपथ लेंगी। जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं रामचंद्र मेनन, वो उनको शपथ दिलाएंगे और उसके बाद वो यहाँ पर राज्यपाल हो जाएंगे प्रमुख तौर पे। और अगर देखा जाए तो राजभवन में तैयारियां इसके लिए पहले से ही कर दी गई थी, सुरक्षा के लिहाज से तमाम वहाँ पर व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित जो तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो नवनियुक्त राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, उनके जो परिवार के लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। इससे पहले उनके कार्यक्रमों की बात की जाए तो उन्होंने जय स्तंभ चौक पर वहाँ पर पहुंचकर जो शहीद वीर नारायण सिंह है उनको श्रद्धांजलि दी है और वो माना भी शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंची थी। उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की और कहा कि जो पुरुषों ने सपना देखा है, जो महापुरुषों का सपना है, उसी के सपनों को साकार करने की वो कोशिश करेंगी। उनसे प्रेरणा लेकर जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं और छत्तीसगढ़ का विकास है वो पूरी शिद्दत के साथ करेंगे, उनका कहना था। और शाम 4 बजे के आसपास वो राज्यपाल पद की शपथ लेंगी और इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ साथ जो IAS और IPS अधिकारी वो भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। और साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कौन कौन नेतागण या बड़ी हस्तियों की अगर बात कर ली जाए, कौन कौन पहुंच सकता है इस कार्यक्रम में? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित तमाम जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो तो मौजूद रहेंगे ही, लेकिन इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास मंड, तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। और बड़े अधिकारियों में बात की जाए तो मुख्य सचिव हैं, प्रमुख सचिव, तमाम अधिकारी भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। और साथ ही आपसे जानना चाहेंगे अनुसुईया उइके का अब तक का जो राजनीतिक करियर है वो किस तरीके का रहा है? देखिए, अनुसुईया उइके इस तरह देखे आदिवासी नेता के रूप में उभर के आई हैं और एक आदिवासी समाज से वो ताल्लुक रखती हैं और जैसे ही उनको राज्यपाल यहाँ का बनाया गया, तमाम जो यहाँ के आदिवासी समाज के लोग हैं वो उनमें काफी खुशी का माहौल है। और अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ से उनका पुराना नाता भी रहा है, वो लगातार यहाँ पर भाजपा के नेताओं से मुलाकात करने भी आती रही है और एक भाजपा के दिग्गज नेता के रूप में उनको जाना जाता था, तो अब उनको यह राज्यपाल यहाँ का बनाया गया है और तमाम जो लोग हैं आदिवासी समाज के वो उनको बधाई देने भी यहाँ पहुँच रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हेमंत।